हेलो फोक्स, आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरी के। अब आज की जो मेरी ट्रिप है वो है गुडविल मोटर्स की, विच इज़ अ प्री ओन्ड कार शोरूम ऑन बैंगलोर पुणे हाईवे। अब हमेशा की तरह यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स जो है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से उठा ही सकते हैं। अब आज हम देखेंगे जो करंट स्टॉक है यहाँ का, उसकी 8 से 10 नई गाड़ियाँ। चलिए हम मिलते हैं यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर शैलेश जी से और उनसे जानते हैं कि आज गाड़ियाँ कौन कौन सी स्टॉक में है, कौन सा ओनर है, वो कब का मॉडल है, कितना चली हुई है और मुद्दे की बात कि आपको यहाँ पे कितने की ऑफर हो रही है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मेरे साथ हैं शैलेश जी, इनको आप जानते ही हैं, ये हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव गुडविल मोटर्स के। सो शैलेश जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ट्रिप डायरी के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, एक चीज़ और मैं फिर से देख रहा हूँ कि लास्ट वीडियो से फिर से ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक चेंज हो गया है, तो कितनी गाड़ियाँ बिक गई सर? वीडियो देखकर कितने लोग आ गए हैं जो खरीद के ले गए? सर चालू रहता है, ऑलमोस्ट 8-10 तो गाड़ियाँ सेल हो जाती है वीडियो थ्रू। तो दोस्तों चलिए, आज हम लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली गाड़ी से। पहली गाड़ी हमारी रेड कलर की ग्रैंड आइटन। सो शैलेश जी, इसकी डिटेल्स बताइए। सर ये ग्रैंड आइटन है, 2017 का मैग्ना मॉडल जी, 13,000 चला हुआ है, सिंगल ओनर है जी, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस फुल है, इंश्योरेंस है जी। ये हम लोग कोट कर रहे हैं इसका 5,10,000 रुपये। सो दोस्तों, 2013 की ये गाड़ी थी, 13,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी इसका वैलिड है और इसका कोट कर रहे हैं 5,10,000 रुपीज़। सारे प्राइसेस हमेशा की तरह नेगोशिएबल रहेंगे। और सर, ट्रिप डायरी का रेफरेंस लेके आएगा तो कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? जी एग्जैक्टली मिलेगा सर आपको, जो ऑलरेडी कस्टमर से मैं आपको बोलने वाला था, एक वीडियो बनाएंगे जिसने हमने से गाड़ी ली आई, जरूर बताइए कि हमने ये वीडियो देख के आए हैं, तो हमें भी पता चल जाता है कि हाँ ये ट्रिप डायरी थ्रू आए जी। मेरा नंबर रहता है उसमें, आप कॉल करके कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। ओके, सो दोस्तों ये थी हमारी 2013 की ग्रैंड आइटन। चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी अगली गाड़ी, सिल्वर कलर की फोर्ड फिगो। सो शैलेश जी, इसकी डिटेल्स हमको बताइए। सर ये 2016 का है, फोर्ड फिगो टिटानियम, 6 एयर बैग वाला, ये टॉप एंड है, फोर्ड फिगो टॉप एंड 2016 मॉडल। जो 45,000 चला हुआ है, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का। अरे डीजल है, पेट्रोल है? पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट। और वो ग्रैंड आइटन पेट्रोल थी क्या सर? पेट्रोल सर, पेट्रोल। इसका कोट कर रही है कंपनी 5,30,000 रुपीज़। 5,30,000। सो दोस्तों, 2016 का फोर्ड फिगो टाइटेनियम टॉप वेरियंट है, पेट्रोल गाड़ी है ये, 65,000 किलोमीटर चला हुआ, 45,000 जी हाँ, सॉरी मैंने 20,000 किलोमीटर बढ़ा दिए, 45,000 किलोमीटर चला हुआ है और यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 5,30,000 रुपीज़। सो चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी अगली गाड़ी, 2017 की वाइट कलर की वरना 1.6 SX। सो सर इसकी डिटेल्स बताइए। सर 2017 का है वरना SX, 58,000 चला हुआ है, सिंगल ओनर। सर डीजल है, पेट्रोल है? पेट्रोल गाड़ी है। और ऑटोमेटिक मैनुअल है? मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल गाड़ी जी, है। okay. जी 58,000 चला हुआ है जी, सिंगल ओनर, फुल इंश्योरेंस है जी। इसका हम लोग कोट कर रहे हैं 7,60,000 रुपीज़। 16 या 60, 16 या 60, 60,000। सो दोस्तों 1.6 SX टॉप वेरिएंट है ये, पेट्रोल का शायद नहीं, 1.6 ऑप्शन आता है टॉप तो। ओके, सो दोस्तों 1.6 SX ये वेरिएंट है, पेट्रोल गाड़ी है ये, 58,000 किलोमीटर चला हुआ है, सिंगल ओनर गाड़ी है ये भी, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है। इसका यहाँ पे कोट कर रहे हैं 7,60,000 रुपये, 7,60,000 रुपीज़। चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। अब ये रही दोस्तों हमारी अगली गाड़ी, दिस इज बलेनो। अब ये तो सर मुझे अल्फा मॉडल लग रहा है फिनिशिंग के हिसाब से, तो सर इसकी डिटेल्स बताइए। सर ये 2019 का पेट्रोल बलेनो है, अल्फा ऑटोमेटिक सीवीटी, 19 का सीवीटी गियर बॉक्स वाला जी, ये 20,000 चला हुआ है, 28 या 20 20,000 चला हुआ है, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का, कंपनी इसको कोट कर रही है 7,60,000 रुपीज़। 7,60,000 नया गाड़ी कितने का आता है सर? सर ये 10,70,000 के आसपास कुछ तो जाता है नए के प्राइस। सो दोस्तों 2019 की ये गाड़ी है, 20,000 लगभग 20,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर गाड़ी है, फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है जैसा कि शैलेश जी ने बताया। और यहाँ पे इसका, और ये पेट्रोल ऑटोमेटिक जो अल्फा मॉडल आता है टॉप मॉडल वो गाड़ी है, और यहाँ पे इसका कोट कर रहे हैं 7,60,000 रुपीज़, 7,60,000 रुपये। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। अब ये रही दोस्तों हमारी टाटा की हैरियर। अब जैसा आप जानते ही होंगे कि एक हमने सिंगल वीडियो बनाया था एक वाइट कलर के हैरियर का, उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी और लोगों ने काफ़ी पिंग किया था इंस्टाग्राम पर, और मैंने इनको भी बोला था। और यही चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि आप देखेंगे स्टॉक जो है इतना वैरायटी रहती है स्टॉक में, और सारी गाड़ियाँ बदल बदल के आप ऑलमोस्ट
जो भी लेटेस्ट गाड़ी है वो सब आती ही रहती हैं। तो सर ये भी मुझे हैरियर 2019 का मॉडल ही लग रही है। सर बाकी डिटेल्स बताइए इसकी। लास्ट आपके वीडियो में बहुत कमेंट्स थी कि हैरियर चाहिए हैरियर चाहिए, तो इसलिए हैरियर लिया है। 2019 का है सर, 20,000 चला हुआ है हैरियर XT, ये डीजल वेरियंट आता है एक्चुअल। 20,000 चला है, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का। ये कंपनी इसको आस्किंग प्राइस है 16,80,000 रुपीज़, 16,80,000 रुपये। सो दोस्तों 2019 की टाटा हैरियर है ये, सिल्वर कलर की, 20,000 किलोमीटर बस चली हुई है और सिंगल ओनर गाड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है और यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 16,80,000 रुपये, 16,80,000 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। अब ये रही दोस्तों एक और हमारी ओल्ड शेप वाली वरना, राइट। तो शैलेश जी इसकी डिटेल्स बताइए। ये 2014 का है, पेट्रोल वरना SX मॉडल ही है ये भी जी। सिंगल ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का जी। फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस 39,000 चला हुआ है गाड़ी सिर्फ जी। ये आपको कोट कर रही है कंपनी 5,90,000 रुपीज़। सर ये डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल भाई। और मैनुअल या ऑटोमेटिक? मैनुअल गाड़ी, मैनुअल गाड़ी है। ओके सर दोस्तों 2014 की ये वरना है, कितना चली हुई है सर? 39,000। ओके सो दोस्तों 2014 की ये वरना है, 39,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर गाड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है और पेट्रोल गाड़ी है ये मैनुअल में। यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 5,90,000 रुपये, 5,90,000 रुपीज़। सो शैलेश जी एक बात और बताइए, जैसे कि प्राइस जो है कि बाकी मार्केट से आपका प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत मतलब किसी गाड़ियों में कम रहता है, किसी गाड़ियों में हायर भी रहता है। सो लोगों को लगता है कि ऑलमोस्ट नहीं जितना प्राइस कोट कर रहे हैं जो भी है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ ना पूरी बिक रही हैं बार बार, और जैसे मैं हर बार जब भी आता हूं, तो ऑलमोस्ट नया स्टॉक आ ही जाता है। तो सर उसके बारे में दर्शकों क्या कहना चाहेंगे, इस प्राइस जो आपकी ज़्यादा है वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। लास्ट टाइम भी अपना इस पर डिस्कशन हुआ था जब केबिन में हमने इंटरव्यू किया था। सर कैसा रहता है गाड़ी अगर सामने से परचेस कर रहे हैं, अच्छा गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो जो सेलर है उसको भी हमें अच्छी प्राइस देनी पड़ती है। ओके तो अगर गाड़ी में अगर कुछ फॉल्ट नहीं है तो हम लोग नेगोशिएशन ज़्यादा कर नहीं सकते, राइट। तो उसको भी अच्छी प्राइस देके ही गाड़ी परचेस करना पड़ता है। तो फिर थोड़ा बहुत वो अगर रिफर पे ये है वो है सब करवा के ट्रांसफर है, हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं गाड़ी का, तो वो सब पकड़ के थोड़ा सा हायर साइड जाता है, 10-20 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। वारंटी का ही उसका कॉस्टिंग रहता है एक साधा अराउंड 10-15,000 के आसपास वारंटी। जो भी प्राइस जो थोड़ा ज़्यादा है वो मतलब जो एक्स्ट्रा वारंटी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका है। सो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लें, सारा इनके साथ अच्छा तगड़ा जितना आप कर सकें नेगोशिएशन कर लें, आपको जमता है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद ही गाड़ी लीजिए। और वैसे इनके हैप्पी कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं ही हैं। तो ठीक है शैलेश जी, दर्शकों की ये दुविधा दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी अगली गाड़ी, दिस इज़ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। अब सर सबसे पहले बताइए डीजल है कि पेट्रोल है? डीजल व्हीकल है सर ये। तो यानी सर ये महंगा तो वैसे ही हो गया होगा क्योंकि मारुति का डीजल गाड़ी है। ओके ओके फिर भी इतना महंगा नहीं है सर मार्केट से अपना। ओके ओके देखेंगे तो बेटर रहेगा, गाड़ी का रनिंग भी कम है, ओवरऑल गाड़ी अच्छा है, तो आपको पता चलेगा प्राइस भी रीजनेबल है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है प्राइस। ओके तो सर बता दीजिए बाकी डिटेल्स इस गाड़ी की। सर 2017 का है जी, 34,000 चला हुआ है सिर्फ गाड़ी, सिंगल ओनर गाड़ी, सिंगल ओनर गाड़ी है, फुल इंश्योरेंस है सर। मैनुअल है ऑटोमेटिक? मैनुअल गाड़ी है ये, हाँ। 34,000 चला हुआ है जी, कंपनी इसको कोट कर रही है 8,30,000 रुपीज, 8,30,000। जो भी निगोशिएबल है उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको जी जी। सो जैसा कि इन्होंने बताया 2017 का ये मॉडल है, डीजल मैनुअल गाड़ी है, लगभग 34,000 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है। यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 8,30,000 रुपये, 8,30,000 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। अब दोस्तों ये रही हमारी अगली गाड़ी, ये है सिल्वर कलर में i20 एलीट। सर ये इसको एलीट बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं, कुछ लोग एलीट बोलते हैं, कुछ एलाइट बोलते हैं, जिसका जो मन जिसको मन करे वो बोल जाते हैं। अच्छा अच्छा मेन तो चलिए ठीक है, ये है हमारी i20 एलीट। तो सर बताइए इसकी डिटेल्स हमको। सर ये 2017 का है जी, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का, 37,000 चला हुआ है गाड़ी, 37,000 जी। आस्किंग प्राइस है इसका 6,25,000। सर ये डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल है। मैनुअल है ऑटोमेटिक? मैनुअल। ओके सो दोस्तों ये थी हमारी 2017 की i20। अब ये गाड़ी लगभग 37,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर गाड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इसका भी वैलिड है और यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 6,25,000 रुपीज़, 6,25,000 रुपये। आज जितनी भी हमने गाड़ियाँ देखी हैं सारी सिंगल ओनर गाड़ियाँ ही हैं, और वैसे भी सेकंड ओनर गाड़ियाँ काफ़ी कम मिलती हैं आपके यहाँ पे, राइट। कोई कस्टमर रहेगा एक्सचेंज में गाड़ी आता है तो वही हमारे पास मैक्सिमम सेकंड ओनर रहता है। ओके ओके सो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। अब ये रही आज की हमारी दूसरी टाटा की गाड़ी, ये है टाटा ज़ेस्ट। सो सर इसके बारे में बताइए।
सर ये 2015 का है, टाटा जेस्ट डीजल ऑटोमेटिक में XTA मॉडल है जो टॉप एंड में आता है। XTA ये टॉप एंड मॉडल है। 2015 में XTA जे टॉप एंड आता था ऑटोमेटिक में। और पेट्रोल है, डीजल है? डीजल व्हीकल है, डीजल ऑटोमेटिक। जी जी, सिंगल ओनर है, कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है अभी गाड़ी का। यहाँ पे ऑफर है इसका 4,90,000 रुपीज़। 4,90,000 या 90,000? 90,000। सो दोस्तों 2015 की ये गाड़ी है, डीजल ऑटोमेटिक सिंगल ओनर गाड़ी है, कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस इसका भी वैलिड है। अब ये जो गाड़ी है दोस्तों, डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी है, XTA वेरियंट, यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 4,90,000 रुपये, 4,90,000 रुपीज़। सो सर एक चीज़ और बता दीजिए कि आपके यहाँ लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है? जी सर, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है अपने तो पास। सब कुछ मतलब जो भी यहाँ आता है गाड़ी देखने के लिए सारी चीज़ें यहीं से फाइनल हो जाती हैं? सॉरी, सब यहाँ पे फाइनल हो जाएगा सर, आपका कुछ इशू नहीं आ जाएगा। ओके ओके, सो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारी आज की आखिरी गाड़ी की तरफ। तो ये रही आज की हमारी आखिरी गाड़ी, ये है सिल्वर कलर में डिज़ायर। सो सर इसकी डिटेल्स बता दीजिए। सर ये है 2015 का स्विफ्ट डिजायर ZXI जो पेट्रोल वेरिएंट है, मैनुअल में, पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल टॉप मॉडल आता था क्या? करेक्ट, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का, 58,000 रनिंग है गाड़ी का, ऑफर प्राइस है यहाँ पे 5,70,000 रुपीज़ इसका। 5,70,000 रुपीज़। सो दोस्तों ये है हमारी 2015 की डिज़ायर, 58,000 किलोमीटर रनिंग है, पेट्रोल मैनुअल ZXI पेट्रोल मैनुअल ZXI मॉडल है ये, और यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 5,90,000 और यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 5,70,000 रुपीज़, 5,70,000 रुपये। सो दोस्तों हमारे साथ थे मिस्टर शैलेश, जिन्होंने हमको लगभग आज 10 गाड़ियों के बारे में बताया, नया जो स्टॉक है गुडविल मोटर्स उसकी। सो शैलेश जी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। सो दोस्तों आज हमने देखी करंट स्टॉक में जो गाड़ियाँ थी गुडविल मोटर्स के। अगर आप इन गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं तो हमेशा की तरह यहाँ शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और एड्रेस डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं और इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की नेक्स्ट कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप साथ ही साथ मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tripdiary, इट इज़ अ सिंगल सिलेबल, दैट इज TRIPDIARIE। जी हाँ, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, TRIPDIARIE। सो दोस्तों आप सब अपना यूं ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरी, मिलते हैं अगले वीडियो में।